हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन योर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच नेक्स्ट लेवल। ऑलरेडी यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन द नाउन, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जेंडर। जेंडर इज ऑलरेडी रिलेटेड इन नाउन पार्ट्स, सो नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस जेंडर। तो ऑलरेडी ऑल ऑफ यू सीइंग द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन whatever I already written down the definition of the gender. Okay, let's start. जैसा कि आप देख रहे हो, gender, gender मतलब होता है क्या in Hindi, लिंग। Okay, अब यहां पे gender की definition क्या है वो हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लिविंग बींग्स ऑर द ऑफ अदर द मेल और द फीमेल सेक्स, कहने का मतलब जो हमें मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल सेक्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराए वो हमारा क्या कहलाता है, जेंडर कहलाता है। हिंदी में भी आप लोग पढ़े हो जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में, वही एज यूजुअल मैं यहां पर आपको बताना जा रहा हूं। ओके, जैसे कि मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिया हूं, बॉय गर्ल, तो बॉय एंड गर्ल, तो यहां पे बॉय क्या है अनदर जेंडर एंड गर्ल इज अनदर, तो जिसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। लायन लायनेस, हीरो हीरोइन, कॉक स्पैरो एंड हैन स्पैरो, तो यहां पे मैं केवल एक छोटा सा पॉइंट आपको एग्जाम्पल्स दिया हूं जो कि जेंडर में कैसे कन्वर्ट किया गया है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें मैस्कुलिन जेंडर, जेंडर कितने होते हैं आपके, फोर। कौन कौन से, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। इन हिंदी पुरुषवाचक संज्ञा, ओके, स्त्रीवाचक एंड कॉमन जेंडर जिसको कि हम उभयलिंग बोलते हैं एंड न्यूट्रल जेंडर जिसको कि हम नपुंसक लिंग बोलते हैं। तो यहां पे मैस्कुलिन जेंडर क्या है, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर, अर्थात वो जेंडर, वो लिंग जो स्पेशली मैन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी पुरुष को इंडिकेट करता हो। अब ये नहीं केवल इस पुरुष ही हो, पुरुष का कहने का मतलब पुरलिंग में हो जो चीज, संस्कृत में भी आप अगर पढ़े हो तो पुरलिंग में जो आता हो, अब चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे जो भी हो, एक्स वाई जेड। तो जैसे कि यहां पे एग्जांपल क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट, जेंडर कम्स फ्रॉम, अब ध्यान दीजिए कि ये जेंडर मतलब किसका, इस जेंडर की उत्पत्ति किससे हुई है, जीनस शब्द से, जो कि कहां से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। ओके, अब जिसका मतलब है काइंड आर सॉर्ट, इज दैट क्लियर। तो ऑलरेडी आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट द मैस्कुलिन जेंडर। अब यहां पे इस एग्जांपल मैंने आपको दिया है मैस्कुलिन जेंडर में, आपका ये है बॉय है, लायन है, हीरो है, कॉक स्पैरो है, और ठीक, ये आपका मैस्कुलिन जेंडर में है। नेक्स्ट वन इज फेमिनिन जेंडर, जिसे स्त्रीलिंग कहते हैं, अ नाउन दैट डिनोट्स वो संज्ञा जो प्रदर्शित करता है किस चीज को, अ फीमेल एनिमल सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर, जो स्त्री लिंग को रिप्रेजेंट करता हो, जो स्त्री के बारे में बतलाता हो या स्त्री की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता हो, वो फेमिनिन जेंडर आपका होता है। इज दैट क्लियर। सो बोथ आर मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर, बोथ एग्जांपल्स आर हियर, मैस्कुलिन जेंडर बॉय, फेमिनिन जेंडर गर्ल, मैस्कुलिन जेंडर लायन एंड फेमिनिन जेंडर लायनेस, इन द सेम वे हीरो हीरोइन, कॉक स्पैरो एंड हैन स्पैरो, मींस यहां पे मैंने मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर का दोनों का एग्जांपल दे दिया है। हां, बट क्लियर एक चीज याद रखना कि कोई भी आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो मस्ट है आपको डेफिनेशन लर्न करना। तो ये आपका जेंडर का डेफिनेशन है और ये आपका मैस्कुलिन जेंडर और ये आपका फेमिनिन जेंडर। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन जेंडर जिसे कहते हैं उभयलिंग, उभय मतलब जो दोनों के लिए आता हो, अर्थात अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर मेल और फीमेल, वो जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, कॉमन जेंडर।
नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल क्या है, पेरेंट। पेरेंट मीन्स क्या होता है, माता पिता। अब केवल पिता या केवल माता नहीं होता, माता पिता के लिए चाइल्ड, बच्चा जो होता है वो चाहे बेबी हो चाहे बॉय हो, चाइल्ड दोनों के लिए आता है। इज दैट क्लियर? बट बेबी और बॉय को अलग करोगे तो वो मैस्कुलिन और फेमिनिन बन जाएगा, बट हियर चाइल्ड इज ऑलरेडी नोन एज द कॉमन जेंडर। इज दैट क्लियर? फ्रेंड इज ऑल्सो मित्र, पिपिल, सिस, कजिन, चचेरा, पर्सन, ऑर्फन, स्टूडेंट, बेबी। इज दैट क्लियर? सो हियर वी आर गोइंग टू डिस ऑलरेडी टेल यू अबाउट द कॉमन जेंडर। तो जैसे कि कॉमन जेंडर क्या है, जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराता हो वो कॉमन जेंडर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रल जेंडर, जिसको की कहते हैं नपुंसक लिंग। अब नपुंसक लिंग में क्या होता है वो आप जानिए, अ नाउन दैट डिनोट्स, वो संज्ञा जो प्रदर्शित करता है थिंग्स दैट नाइदर मेल नॉर फीमेल, मतलब ना तो वो मेल होता है ना ही वो फीमेल होता है। इज दैट क्लियर? फिर आगे ब्रैकेट में जो दिया गया है वो स्पेसिफाई कर रहा है, थोड़ा सा हिंदी में सुनने में अटपटा लगता है नपुंसक लिंग, जिसको कि हम कॉमन वे में दूसरे को ले लेते हैं, सुनते हैं, समझ में आता है, बट इंग्लिश में वो चीज नहीं है, लेकिन हिंदी में भी वो चीज नहीं है, लेकिन समझने वाले कुछ अंदर समझ जाते हैं। तो यहाँ पे अब थिंक क्या बताया जाए, विदाउट लाइफ। न्यूट्रल जेंडर वो होता है जिसके अंदर जान नहीं होती है, विदाउट लाइफ। इज दैट क्लियर? जिसके अंदर जान नहीं है वो क्या है, न्यूट्रल जेंडर, मीन्स नपुंसक लिंग, इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। एंड द एग्जांपल, बुक नॉन लिविंग थिंग से, पेन नॉन लिविंग है, रूम कमरा नॉन लिविंग है, फ्री ट्री, ये आपका जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में आता है। तो दीज आर ऑलरेडी नोन एज द न्यूट्रल जेंडर। सो आई होप all of you understood about the four types of the gender, but here finally I write down the note, so all of you mind about the note. Kya hai note mein? Object without life are often personified, that is spoken of as if they were living being, we then regard them as male or female. Kehne ka matlab, kabhi kabhi kuch hamara jo hota hai, जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जो न्यूट्रल जेंडर होता है, वो कभी कभी पर्सनिफाइड करता है, मानवीकरण करता है एक लिविंग थिंग्स के रूप में। किसके रूप में? लिविंग थिंग्स के रूप में। तो उन लिविंग थिंग्स रूप को हम किस में एक्सेप्ट करते हैं, मेल अथवा फीमेल में एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब क्या है कि नॉन लिविंग थिंग्स भी समटाइम्स कम्स इन लिविंग थिंग्स, दे जस्ट ऑलरेडी रिएक्ट लाइक अ लिविंग थिंग। सो वी ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट दैट वर्ड्स एज अ मेल और फीमेल। ओके, तो दिस इज ऑलरेडी आई राइट डाउन हियर, द सन, समर, विंटर, टाइम एंड डेथ, दीज आर ऑलरेडी रिप्रेजेंट एज द लिविंग थिंग्स, अंडरस्टूड समटाइम्स। इन अदर्स, द सन सेट्स हिज बीम्स ऑन द रिच एंड पुअर अलाइक। अब ध्यान दीजिए, फिगर ऑफ स्पीच आप पढ़े हो तो फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली आप पढ़े हो, कभी कभी सिमिली में लाइक आता है अलाइक, लेकिन यहाँ सिमिली नहीं, बट यहाँ पे पर्सोनिफाइड है, पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार क्या है कि सूरज जो है अपनी छाया, अपनी किरणों को फेंकता है, जस्ट लाइक अ लिविंग थिंग्स, सूरज की किरणें पड़ती है, चंद्रमा की किरणें पड़ती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, दरवाजा जो है वो बच्चे की तरह चिल्ला के आवाज कर रहा है या खड़खड़ाहट कर रहा है, मींस यहाँ पे एक लिविंग थिंग्स का जो एक्टिविटी करता है तो वो पर्सनिफाइड करता है, बट ऑलरेडी यहाँ पे मेल और फीमेल का वो एक्शन रिप्रेजेंट करता है, बट वो रहता क्या है आपका, वो आपका न्यूट्रल जेंडर ही रहता है। तो आशा करते हैं कि आपको मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल जेंडर, चारों जेंडर के बारे में परफेक्टली। ओके, हेलो डियर, अब आपने देखा मैंने आपको चारों जेंडर के बारे में बताया, अब उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं जो कि बहुत ही जरूरी है कि किस प्रकार से किसी जेंडर का कन्वर्जन हम कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहां पे मैं बताऊंगा, लिखा हूं कि वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स, मीन्स किस तरह से किसी भी नाउन का, मीन्स ऑलरेडी मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करना है। इज दैट क्लियर? अब यहां पे पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर वन,
बाई यूजिंग एंड इंटरली डिफरेंट वर्ड्स। कहने का मतलब किसी में किसी अन्य लेटर को जोड़ करके नहीं बनाना है, बल्कि हमें क्या करना है, इंटरली डिफरेंट वर्ड्स को यूज करना है, अलग शब्द यूज होता है। जैसे दिस इज मैस्कुलिन एंड दिस इज फेमिनिन, तो यहाँ पे बैचलर, बैचलर का में हमने कोई स्पेलिंग एडिंग एडिशन नहीं किया है, तो उसका डायरेक्ट डिफरेंट वर्ड है मेड स्पिंस्टर, हॉर्स मेयर, हस्बैंड वाइफ, किंग क्वीन। इन द फर्स्ट पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि इंटरली डिफरेंट वर्ड यूज किया जाता है उसका मैस्कुलिन बनाने के लिए, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कह रहा है बाय एडिंग अ सिलेबल ई डबल एस आई एन ई टी आर आई एक्स ट्रिक्स ए एक्सेट्रा ए, जैसे कि इनमें से वर्ड्स को जोड़ करके, यानी जिसको कि सफिक्स या प्रीफिक्स हम आप जानते हैं, तो इनमें ये चीज एड करके हमें फेमिनिन उसका बनाना है। जैसे अथर अथरेस, बैरन बैरनेस, एक्टर एक्ट्रेस, प्रिंस प्रिंसेस। तो हमने ऑलरेडी देखा क्या कि हमने ई डबल एस सब में क्या जोड़ा, ई डबल एस, और इसमें हमने कुछ भी नहीं जोड़ा है, डिफरेंट वर्ड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड में क्या बताया जा रहा है, बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर एज, मीन्स कहने का मतलब किसी भी शब्द को आगे या पीछे कर करके हमें क्या करना है, जोड़ना है। मतलब जैसे हमने कोई शब्द लिया उसमें हम कुछ चीज नया जोड़ दें तो वो क्या बन गया, उसका फेमिनिन बन गया। तो इन द सेम वे जैसे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, तो हमने क्या डिफरेंस किया, इसमें फादर ऐड किया था इसमें मदर, तो पहला लेटर हमारा क्या था वर्ड ग्रैंड, इसमें भी ग्रैंड, तो हमने उसका फेमिनिन में फादर का मदर। तो पीकॉक पीहेन, अब पी ले लिया गया है लेकिन यहाँ कॉक मीन्स मुर्गा या कॉक मीन्स मैस्कुलिन जेंडर शो कर रहा है, तो पीहेन यहाँ पे मोर और मोरनी, मिल्क मैन मिल्क वुमेन, यहाँ मैन है और यहाँ वुमेन है, तो ऑलरेडी मिल्क कॉमन है और वुमेन और मैन को हमने ऐड किया। इन द सेम वे वॉशर मैन वॉशर वुमेन, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे भी मैन ऐड हुआ और यहाँ पे वुमेन ऐड हुआ। तो ये आपका था कुछ पॉइंट्स जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे नोट क्या कर रहा है, द सफिक्स ई एस एस इन द कॉमनेस्ट सफिक्स यूज टू फॉर्म फेमिनिन नाउन्स। कहने का मतलब ई डबल एस जो होता है वो जनरली, इसमें मैं बताना हूं कि वो जनरली ऐसा लेटर है, ऐसे सफिक्सेस हैं जो कि जनरली इनका प्रयोग फेमिनिन जेंडर को बनाने के लिए किया जाता है। किसके आधार पे, फ्रॉम द मैस्कुलिन एंड इन द ओनली वन विच वी नो यूज इन फॉर्मिंग न्यू फॉर्मिंग नाउन। कहने का मतलब जिसमें कि हम मैस्कुलिन जेंडर का के से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं, और कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पे दिए जा रहे हैं जो कि थोड़ा सा डिफर है उससे, कुछ उसमें ऐड किया जा रहा है, सफिक्स बनाया जा रहा है, सफिक्स ऐड किया जा रहा है, बट वो सफिक्स में कुछ चीज अलग है। क्या है अलग, जैसे सुल्तान सुल्ताना, सॉरी ये ए है, सुल्तान सुल्ताना, सिग्नोर सिग्नोरा सिग्नोरा, फॉक्स वेक्सन, टेस्टर टर और टेस्टोरेंस। तो कहने का मतलब इसमें कुछ डिफरेंट वर्ड है जिसका कि हमने क्या बनाया, फेमिनिन जेंडर बनाया। तो डियर आशा करते हैं कि ये आपकी समझ में आया होगा कि मैंने आज आपको बताया नाउन के अंतर्गत जेंडर, जेंडर चार प्रकार के, जेंडर के चार के तीन प्रकार के फॉर्मिंग है जिसके माध्यम से मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर का निर्माण किया जाता है। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।